हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है। मृत्यु से जुड़ा ही बड़ा कारण। धनतेरस के दिन यम के नाम से भी दीपक निकाला जाता है। लगभग सभी घरों में यम का दीपक निकालने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में मनाया जाता है। दिवाली से पहले आने वाले इस पर्व को लेकर हिंदू समुदाय में विशेष आस्था रही है। धनतेरस के दिन खरीदारी के साथ साथ पूजा पाठ का विशेष ख्याल रखा जाता है। धनतेरस के दिन यम के नाम से भी दीपक निकाला जाता है। लगभग सभी घरों में यम का दीपक तो निकलता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यम के नाम से दीपक क्यों जलाया जाता है? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। आइए उसको हम कम समय में बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने कभी ये सुना है कि कभी यमराज किसी के प्राण लेने गए हों और उनकी आंखों में आंसू आ गए हों और वो उनके प्राण ना लेने चाहते हों? तो दोस्तों एक ऐसा जोड़ा है जिसके प्राण लेने यमराज गए थे तो उस जोड़े को वो नहीं लाना चाहते थे। उनके प्राण छीनने में यमराज की आंखों से आंसू आ गए थे। तो जोड़ा था राजा हंस की युवा बेटी और एक ब्रह्मचारी बालक का। उस बालक की कुंडली में लिखा था कि उसकी मृत्यु उसकी शादी के 4 दिन बाद हो जाएगी। तो एक ऐसा जोड़ा था, एक ऐसी सुंदर जोड़ी थी जिसे देख करके यमराज उनके प्राण नहीं ले पाए और वो विलाप करने लग गए। तभी उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तब यम यानी यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताया था कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन से बड़ी दीपावली तक अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाएगा उसकी यहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वहाँ अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद ही अनंत काल से धनतेरस के दिन चौमुखी दीपक यम के नाम का जलाया जाता है। तो आप सभी धनतेरस के दिन से लेकर बड़ी दीपावली तक अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जरूर जला कर रखें यम के नाम का, और यमराज से विनती करें कि आपके घर में कभी किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।